17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अपने मतों का प्रयोग करने मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदाताओं में मतदान करने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सभी आयु वर्ग के लोग मतदान केंद्रों के बाहर कतारबद्ध नजर आए। मतदान कर खड़े मतदाताओं से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास चर्चा की, जिसमें सभी ने अपने विचारों को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया जो आज 17 नवंबर शुक्रवार को जारी है, इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र कॉलोनी में। यहाँ पे सामने है, मेरे पीछे आप पुल है जो आप देख सकते हैं, काफी वहाँ भीड़ भाड़ है। यहाँ मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे कुछ समाज सेवा से जुड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम इन्हीं से आज हम जानना चाहते हैं किस तरह की सरकार की ये अपेक्षा रखते हैं, इनको किस तरह की जो सरकार हो जो सभी को सभी वर्गों को लेकर के चले, सभी की बातें सुने, एक निष्पक्ष तरीके से काम करे। आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। माननीय निवासी दिलीप अग्रवाल जी, आप दिलीप जी बताएंगे, आप चुनाव सरकार ऐसी हो जो जनमानस के हित में सोचे, राष्ट्र हित में सोचे। आज 20 साल से जो अपना क्षत्रिय राज्य है निर्माण हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिल पाया। तो हम चाह रहे कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के हित में काम करे और छत्तीसगढ़ के नाम को आगे ले जाए। छत्तीसगढ़ की जो खनिज संसाधन है, जो थे अपने जो यहाँ की बहुत बहुमूल्य सामग्री सब है, उनका सही उपयोग। जैसा आपने कहा कि अभी देखिए बदलाव, पिछला भी चुनाव कांग्रेस जीती, बदलाव की जाती जीती थी। 15 साल से बीजेपी का राज था तो बदलाव की जाते कांग्रेस आई थी, और इस बार पूरा फिर से बदलाव है और फिर से हो सकता है बीजेपी सरकार अपनी बनाएगी और पुराने जो कार्य रुके हुए हैं, जो निर्माण के कार्य रुके हैं, फिर से प्रारंभ होंगे और छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा उत्साह होगा। जैसा कि दिलीप अग्रवाल जी ने कहा है कि कार्यों की कमी महसूस की जा रही है, लोगों का रुझान है, हो सकता है तो मतगणना के बाद ही आपको पता चलेगा कि सरकार किसकी काबिल होती है। हमारे साथ आइए कुछ अन्य मौजूद हैं, दिनेश कौजा जी जो वरिष्ठ समाज सेवी जिले के, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपसे ये कि आप मतदान कर रहे हैं, सरकार की संरचना कर सब देशों में उस सरकार की हम परिक्रमा करते हैं, जो कि 15 साल जो पिछली सरकार थी उसमें जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं। और पिछले 5 सालों में लोग परिवर्तन की लहर को करते हुए 5 साल मौका दिया गया था कांग्रेस को भी, लेकिन उसके उनसे जो आशा रखी गई थी वो आशा पूर्ण नहीं हो पाई, उसके विपरीत पूरा काम हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से भाजपा की सरकार बने और जो लहर अभी दिख रही है वो भाजपा की तरफ ही लोगों का मैसेज हो रहा है। कर्ज माफ कर दिया गया, अगर एक बार कर्ज माफ कर दिया गया था तो फिर दोबारा क्यों मौका दिया जा रहा है कि कर्ज माफ करा। अगर एक बार 5 साल पहले अगर कर्ज माफ कर अगर दे दिया घोषणा की गई थी तो कर्ज माफ कर दी गई थी, फिर ऐसे 5 साल में किसी का कुछ काम नहीं हुआ तब फिर वापस कर्ज माफ करने का मौका दिया जा रहा है उन लोग को। एक बार कर्ज माफ किया जाए ना, फिर 5 साल आप उन लोग को एक्सटेंड हो जाना चाहिए था, फिर बार बार वो कर्ज माफ और कर्ज माफ किसके कहाँ किसके पैसा है, जनता को पैसा है ना, टैक्स को छोड़िए वो कैसे पैसा है ना। कर्ज माफी कोई मतलब सरकार का कोई विशेष अधिकार नहीं है कर्ज माफी के। हमारे साथ कुछ अन्य भी मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद है ईश्वर कन्हैया जी, स्थानीय निवासी होने के साथ साथ समाजसेवी भी पूर्व में समाजसेवी है। आइए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि आज यदि मतदान कर रहे हैं और मतदान स्थल पर मौजूद है तो मदद करते हैं समाज सेवा भी जुड़े पूर्व में आप राजनीति व्यक्ति भी रहे सरकार के आपका रक्षा करते हैं। पिछले बार ये कहा कि 15 साल की सरकार को देखे कि नई सरकार आज उत्तर प्रदेश का भला करें, इसको देखते हुए लोगों ने चेंज किया ताकि कोई नई सरकार आए और नया विकास कार्य नया रोजगार पैदा करे। लेकिन इस 5 साल में देखा गया है वो तो हुआ नहीं, जो वहाँ सत्ता अपराधीकरण
दारू गली गली ये सब भी पूछा गया। आप लोग को याद होगा जब रमन की सरकार थी तो गुलाबी सेना करके महिलाओं को बुलाया जाता था, गाँव बस्ती में रहते तो दारू के विरोध में लोगों को सिखाते थे कि दारू मत पियो गलत चीज़ हो। आज वो सरकार कैसे आई और वो सेना को कैसे बंद क्यों बंद किया गया कि ताकि दो नंबर का दारू बिके बस्ती बस्ती में दो नंबर के काम हो इसलिए बंद किया गया। और इंडिया सबसे बड़ा काम यही है सट्टा दारू चोरी अपना आदमी का गढ़ बन गया। और अब हम इसके सामने आए हैं इस बार किससे सरकार चेंज करें ताकि लोगों में भाईचारा सद्भाव बना रहे। क्योंकि जैसा कि इनका कहना आपने सुना कि सरकार द्वारा बदलने की बात की जा रही है, बातें की जा रही है सरकार द्वारा जनहित से जुड़े कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा रहा, इस तरह तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सारे व्यापारी मकान की पापा जी, जिससे हम चर्चा करते हैं किस तरह की सरकार की अपेक्षा रखते हैं व्यापारी हैं मकान पापा जी, बताएंगे किस तरह की सरकार की इच्छा रखते हैं व्यापारियों की सरकार द्वारा हवा था। पिछले 15 सालों के बाद के बाद लोगों ने कांग्रेस को मैनेट दिया था और उन्होंने अपराध महादेव YD ऐसे कई जो लाई पहले शिक्षा के नाम से जाना जाता था, महिलाओं का सम्मान होता था, आज महिलाएं घर से निकल नहीं सकती हैं, ये स्थिति है, शराब गली गली में बिक रही है और युवाओं ने प्रशासन नाम की चीज नहीं है और महिला सम्मान और राष्ट्र का निर्माण और भिलाई का अपराधीकरण खत्म करने के लिए मैंने अपना वोट दिया है और भिलाई परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन होगा मेरा। हमारे साथ है अपने जी मौजूद है जो मतदान को लेकर के इस तरह की जो रुझान अभी तो खैर अभी स्पष्ट नहीं हो सकती, शाम को 5 बजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी हम आइए इसी दाम से किस तरह की सरकार की अपेक्षा रखते हैं। रोड सबका बन गया हमारा भाजपा वाले क्या करते हैं, तो हम भी देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, हम तो नहीं सोचते कि भाजपा वाला वो देगा तो उसका बना दिया हमारा स्थानीय समस्या है जिसको बदलना है। ये ऐसे माफिया टाइप काम कर रहे हैं यहाँ देखो गुंडागर्दी कितना जैसा कि हमारे साथ एक अन्य युवक यहाँ पे मौजूद है, आइए हम उनसे भी एक बार चर्चा करने के लिए सरकार से देखते हैं पिछली बार परिवर्तन में चुनाव हुआ था 5 सालों के लिए सरकार ने चलाया है वो कई जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बार सीधी सी बात है कि युवा ठगा गया है, बेरोजगारी भत्ते से भी ठगा गया है, भ्रष्टाचार से भी ठगा गया है और जुए को सट्टे के व्यापार से भी ठगा गया। आज जहाँ पे देखेंगे आप भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, पुलिस थानों में उगाही, प्रशासन में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, निगम में कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है, युवा परेशान हो चुका है। सबसे बड़ी बात युवा को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा गया है, 2500 रुपये जो देने का वादा था वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिखाई दिया। इस बार युवाओं का वोट रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा और बेरोजगारी के खिलाफ। जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोगों द्वारा जो है सबकी अपनी अपनी समस्याएं चुनाव विधानसभा चुनाव को लोकल स्तर पर भी देखा जा रहा है, लोग अपनी सारी समस्याओं से हमें अवगत करा रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयास किया जाता रहा है, अब लेकिन इस तरह विधानसभा चुनाव में वार्डों की भी अपनी एक अलग भूमिका रहती है, सभी वोट सभी जो विधानसभा क्षेत्र के वार्ड उन्हीं में सामने होकर के आते हैं, तो लोगों से अपना अपना अलग अलग मतदान को लेकर के हालांकि मतदान करने को लेकर सवेरे औद्योगिक क्षेत्र मतदान केंद्र में सवेरे 8 बजे से लोगों की भीड़ देखने को मिली है। अभी 11:30 बज रहा है, आप देख सकते हैं पूरा खतरा भरा हुआ है मतदान केंद्र, युवा मतदान पर लोगों का रुझान बढ़ा है, जो मतगणना होती है आगामी 2 दिसंबर को जो मतदान होता है उसके बाद
विधानसभा से लेकर के पूरे 90 विधानसभाओं में इस पार्टी के प्रत्याशियों का उदाहरण रहा है। जनता किसे अपना पसंदीदा मानती है, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नई सरकार का लैंड एक्शन न्यूज के लिए कैमरामैन कैमरा निशांत के साथ संजय।